मैं टीचिंग से ही मैंने शुरू किया, मैं एक टीचर ही रहा हूँ, बट लकीली आई हैव अ बिट ऑफ प्रिविलेज टू से दैट आई एम अ फुल ब्राइट स्कॉलर ऑफ 2007 यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स से, वहाँ से मैंने वो स्कॉलरशिप हासिल किया था। आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन फॉर लास्ट 22 ईयर्स और मैंने रैंक्स एंड बोर्ड्स टीचर अवार्ड जो नेशनल लेवल पर होता है आई हैव वन दैट। तो सब लोग वेल मीनिंग है, जितने भी लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं हमारे, हमारे मुबीन मसूदी साहब है जो राइज इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, वो हमारे स्पोक्स पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन के, अनलक के लिए वो आज यहाँ पर नहीं है, ही इज़ एन IITN बिट्स प्लानिंग से आए हैं, वो वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड नॉट इन इंडिया ओनली। सो हमारी आपसे एक मोदीबाना गुजारिश है कि व्हेन यू रिपोर्ट अस प्लीज हैव अ बिट ऑफ कंसिडरेशन, यू क्रिटिसाइज अस, यू आर ऑलवेज यू हैव दैट लिबर्टी एंड यू हैव दैट प्रिविलेज। प्लीज इंडिया जो भी यहाँ आया कश्मीरियों का एक बहुत हॉस्पिटैलिटी में हम उनको सर पे बिठाते हैं फिर आंखों पे जगह देते हैं। सिर्फ एक गिला है, मेरे ये जवान जो उन जगहों पे फिर काम करते हैं दे आर गेटिंग पीनट्स, नंबर वन। नंबर टू, जो मेरा पेरेंट है वो एक एक दो दो लाख रुपए उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को देता है, हम बिल्कुल पेनीज लेते हैं, वी टेक इन थाउजेंड्स, 20, 25, 30, दे टेक 1 lakh, 2 lakh फी फ्रॉम आवर पेरेंट्स। लिटरली द इकॉनमी ऑफ आवर स्टेट इज ड्रेन्ड, लेकिन हम उसमें पार्टी नहीं है, वो गवर्नमेंट को देखना है जो हमको हमारे यूथ को वादा कर रहे हैं कि हम आपको यहाँ पे कॉरपोरेट लाएंगे जिससे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेकिन इसके मुनाफी असरात हुए हैं। जितना भी हमारा यहाँ पे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो लिटरली वहाँ पे जाते हैं, उनको ग्रैब करके लिया जाता है, उनको कैसे लिया जाता है और क्या उसमें कॉन्ट्रोवर्सीज हैं हम उनमें पढ़ना नहीं चाहते हैं। हम उनके साथ शाना बशाना काम करने के लिए तैयार है, लेकिन वो हमारे यूथ को ऑन बोर्ड ले। जब बाहर का टीचर यहाँ पे पढ़ाने आता है, यहाँ के मौसमी हालात बहुत ख़राब है, यहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, हम कॉन्फ्लिक्ट जोन में यहाँ रहते हैं, वो कुछ दिन आते हैं कोई और टीचर कल और आता है, तो हमारे बच्चों पे बड़ा मनफी असर पड़ता है। तो वो यहाँ पे पढ़ाएं, लेकिन हमारा जो यूथ है उनको भी बराबर वो मौका दे और बराबर के हिस्सेदार बनाए, न कि पीनट्स के लिए वो यहाँ पे कंट्रोल ऑन द कोचिंग सेंटर। द बेस्ट वी कैन डू इज वी कैन हेल्प द गवर्नमेंट एंड द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स इन रेगुलेटिंग एंड मॉनिटरिंग द सिचुएशंस। देखिए यहाँ पर अगर कोई भी बिजनेस आता है किसी भी टाइप का, मेड बी कोचिंग सेंटर और एनी अदर एल्स, सी आई एम नॉट अ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी हु विल गो देयर एंड टेल हिम व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड एंड स्पेशली व्हेन माय ओन इंटरेस्ट इज देयर। यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज व्हाई द एसोसिएशन सर, दैट इज व्हाई द एसोसिएशन, बिकॉज वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट, we are going to give representations to the directorate of school education so that there is and other responsibles, we will just familiarize them with that this is the thing and you are supposed to take stock of the things, you are supposed to take cognizance of the things. hum nahi keh rahe koi galat kar raha hai, ha regulate kare har ek ko, jis tarah se wo humko regulate kar rahe hain us tarah se unko bhi, yahan par aksar ye baat chalti rehti hai jaise fees ki baat chalti hai, to the government directorate and other departments they should regulate all these things. So hum unko familiarize karenge, hum isme baat karenge, abhi hamare dost ne is bare mein baat ki, so we will definitely do. dusra jo government employees ke bare mein aapka sawal tha wo abhi munir sahab ne uska sahi jawab diya, which is true ki usme high court ka clear order hai that the government employees, it does not say even teachers, it says government employees can go for this tuition before 10 in the morning and after 4 in the morning, not during working hours. Yes, we can assure